नमस्कार मित्रों, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष अपील कैसे की जाती है, इस संबंध में जानकारी दूंगा। राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन के समक्ष अपील करने के लिए अपील का ज्ञापन तैयार किया जाता है। अपील का ज्ञापन टाइप करा के या यदि हां से लिख के पेश किया जाता है तो स्पष्ट पठनीय अक्षरों में राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अपील के ज्ञापन में अपील करने के आधारों को क्रमवार रूप से क्रमांकित करते हुए लिखा जाना चाहिए। अपील के ज्ञापन में अपील करने के आधार का वर्णन करते हुए उसके समर्थन में यदि कोई दस्तावेज है तो उस दस्तावेज का वर्णन करते हुए उस दस्तावेज को भी पेश किया जाना चाहिए। अपील के ज्ञापन के साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी अपील के ज्ञापन के साथ पेश किया जाना चाहिए। यदि अपील विहित समय अवधि के पश्चात पेश की जाती है तो अपील के ज्ञापन में इस बात का वर्णन होना चाहिए कि अपील विहित समय अवधि के बाद पेश की जा रही है तथा देरी को क्षमा किया जाए तथा इस संबंध में एक शपथ पत्र भी पेश किया जाना चाहिए। यदि कोई धनराशि जमा की गई है तो उस जमा धनराशि का वर्णन और यदि कोई रसीद आदि प्राप्त की गई है तो वह भी अपील के ज्ञापन के साथ पेश की जानी चाहिए। अपील के ज्ञापन की चार प्रतियां यानी कि अपील के ज्ञापन को चार सेट में राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अपील के ज्ञापन को अपीलकर्ता स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से या अपने अभिकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पेश कर सकता है। जब अपील राष्ट्रीय आयोग के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है यानी कि सुनवाई के लिए अपील को राष्ट्रीय आयोग के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और एक तारीख दी जाती है जिसमें दोनों पक्षों को राष्ट्रीय आयोग अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देती है, बुलाती है और यदि नियत तिथि को दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा उसके विरुद्ध में एक पक्षीय कार्यवाही की जा सकती है और एक पक्षीय रूप में ही अपील का निपटारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग के द्वारा अपील 90 दिनों के भीतर में निपटाई जाएगी यानी कि 90 दिनों के भीतर में राष्ट्रीय आयोग के द्वारा अपील पर फैसला सुना दिया जाएगा। आज मैंने आपको राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन के समक्ष अपील कैसे की जाती है इस बारे में जानकारी दी है। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।